ओके, वेलकम टू मारव फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसा है कि आप ही मैंने सिनी कलर्स का वीडियो देखा, 20 गेम मोड का वीडियो देखा, और देखने के बाद में एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि अभी जो चीज़ें होने वाली है, ये लोग ओपी ओपी कर रहे हैं अपडेट को लेके, थानोस को लेके। थानोस को पीवी सेक्शन में, पीवीपी सेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। 20 गेम मोड बोल रहा है कि भाग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा वाला परफॉर्मेंस दे रहा है, और सिनी कैलेस बोल रहा है कि उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। पीवी सेक्शन में, पीवीपी सेक्शन में थानोस काफ़ी ज़्यादा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जो एक पीवीई कैरेक्टर करता है प्योरली। तो वो जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मैं जो है ना बार 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 मेरे को एक ही चीज़ यहाँ पर बार बार समझ में आ रही है कि थानोस को पीवी सेक्शन में ये लोग, अभी भले ही तुम लोग इफेक्ट के लिए, एबीएक्स के लिए, एबीएल के लिए यूज़ कर लो, लेकिन बाद में जब 1-2 महीना निकल जाएगा, जून जुलाई सितंबर आएगा, तो लोकी का टीयर 4 आएगा। लोकी का टीयर 4 प्योरली पीवीई सेक्शन के लिए डिज़ाइन रहेगा। तो लोकी का टीयर 4 बेटर देन थानोस का टीयर 4 निकल के आएगा पीवीई सेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सीनी कैलस 20 गेम मोड अभी बोलेंगे नहीं तुमको कि 2500 क्रिस्टल यहाँ पे वर्देट नहीं है, 1-2 महीने में नए यूनिवर्सल कैटेगरी का, विलन कैटेगरी का टीयर 4 आएगा, तो थानोस से बेटर परफॉर्म निकालेंगे पीवीई सेक्शन में। तो वो लोग ये चीज़ें नहीं बोलेंगे। वो लोग बोलेंगे कि भाई ओपी ओपी है, अच्छा परफॉर्म दे रहा है, टर्नामेंट में अच्छा है, एबीएल के लिए, जीबीआर के लिए, एबीएक्स के लिए ले लो, तुमको अच्छा लग रहा था ना तो ले लो, एक्सपेंसिव है, महंगा है, ये वो चीज़ नोटिस नहीं करेंगे। मैंने दोनों का वीडियो देखा। दोनों का वीडियो देखने के बाद में 20 गेम मोड का तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरे को उसका अच्छा नहीं लग रहा था। सीनी कैलेस का एटलीस्ट उसने ऑनेस्ट ओपिनियन दिया, उसने गेम प्ले करके दिखाया, ऑटो प्ले में छोड़ा, फ्रेंड्स के साथ में मैच किया, सब सब कुछ करके दिखाया, लेवल 70 के साथ में, लेवल 80 के नहीं, और ना ही टीयर 4। टीयर 4 करने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा सबको। मेरे को भी लेवल 80 करने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। ऊपर अभी निर्भर है कि किसको कितना टाइम लगेगा। मेन बात यह है कि अभी थानोस अगर तुम लोग लेते हो 2500 का, और इसकी क्या गारंटी कि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, क्योंकि लोकी टीयर 4 आएगा वो पीवीई सेक्शन के लिए बेस्ट होगा। तो लोग क्या करेंगे कि थानोस को छोड़ देंगे, थानोस को पीवीपी के लिए छोड़ देंगे, पीवीई में यूज़ नहीं करेंगे, और उसके बाद में जब लोकी टीयर 4 आएगा तो लोकी को पीवीई सेक्शन में यूज़ करेंगे, एबीएल में, जीबीआर में, और एबीएक्स में, जहाँ भी तुमको यूज़ करना है लोकी का, वहाँ लोकी को इस्तेमाल करेंगे थानोस को छोड़ के। तो वहाँ पर मैं थानोस तुम्हारा काट लेगा, ये चीज़ तुमको अंडरस्टैंड करनी है। और मेन, और एक और बात मैं बताना भूल गया हूँ, अभी आने वाला है नेक्स्ट मंथ में गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी का अपडेट। तो वो अपडेट आने के बाद में मैंने ये कंस्ट्रक्शन वालों को ना मुक्का मार मार के ना कंट्रोल, मोर भाई कंट्रोल, फोकस करो, अभी जो बोलना है वो बोलो। तो यहाँ पर तो कुछ समय बाद में जैसे ये सेल ख़त्म हो जाएगा, 50% यूनिफॉर्म सेल आएगा, तो गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी का अपडेट भी आएगा। तो उस अपडेट में आएगा गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी में एडम वॉरलॉक। एडम वॉरलॉक खरीदने के लिए भी 4 से 5 हज़ार का क्रिस्टल का खर्चा है। तो 4 से 5 हज़ार क्रिस्टल का खर्चा तुम लाओगे क्या? 2500 अगर यहाँ स्पेंड कर दोगे, 4-5 हज़ार क्रिस्टल कहाँ से लाओगे एक महीने के अंदर में, 28 दिन या 15 दिन के गैप में? तो मेरे ख्याल से थानोस को तुम लोग को परचेस नहीं करना चाहिए लॉन्ग फॉर लॉन्ग टर्म। अगर तुम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो डेफिनेटली तुमको थानोस को स्किप करना चाहिए। थानोस लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं रहेगा मुझे लग रहा है, और मैं डेफिनेटली ये चीज़ तुम्हें गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, एडम वॉरलॉक बेटर देन थानोस रहेगा पीवीपी सेक्शन के लिए। और जेंगर को टक्कर देने के लिए कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो टक्कर दे पाए, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एडम वॉरलॉक बेटर हो सकता है थानोस से, और लोकी भी बेटर हो सकता है थानोस से पीवीई सेक्शन में। और लोकी का डेफिनेटली टीयर 4 आना ही आना है न्यू यूनिफॉर्म के साथ में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि तुम लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए परचेस करने में। और ये लोग कितना भी थानोस को ओपी ओपी बोले, ज़बरदस्ती का उसका अक्यूमुलेशन भी कम है और उसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा डाउन है, तो ज़बरदस्ती ये लोग उसको पीवीपी सेक्शन में, पीवीई सेक्शन में बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे, स्पेशली 20 गेम मोड। तो मेरे को इस बात से बिल्कुल भी मैं डिसएग्री करता हूँ, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। मैं सीधे साफ साफ बोल रहा हूँ कि महंगा कैरेक्टर है, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। तुम लोग इसको अच्छा रहेगा कि तुम लोग इसको लेवलिटी कर लो। ऑब्सेडियन किंग वाला जो यूनिफॉर्म है वो अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास में है, ऑलरेडी है, तो उसी को लेवलिटी कर लो। और जिनके पास में था ना उसका ऑब्सेडियन किंग वाला यूनिफॉर्म नहीं है, उनके पास में अगर इनफ ज़्यादा क्रिस्टल है तो वो लोग थानोस का यूनिफॉर्म परचेस करके देख लो। अगर लगता है तुमको कि जेंगर के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देगा, जेंगर को मार देगा, तो ही थानोस को लेवल 80 या टीयर 4 करने की सोचना, नहीं तो फिर देख लो तुम्हारी
तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं भी लेवलिटी करके देखता हूँ ऑब्सिडियन किंग के यूनिफॉर्म के साथ में, उसको टीयर फोर करने की कोई पूरी कोशिश करूंगा। लेवलिटी के साथ में तो यूज करूंगा करूंगा, लेवलिटी के साथ में जेंगर के साथ में फाइट करूंगा। और अगर थैनोस का लेवलिटी के साथ में अगर जेंगर को मार दिया तो थैनोस को लेवलिटी भी कर लेना, टीयर फोर भी कर लेना, और न्यू यूनिफॉर्म परचेस करने के लिए अगर एनफ क्रिस्टल होंगे, तुमको नीड लगती है, तुमको अगर थैनोस के न्यू यूनिफॉर्म की नीड लगती है और तुम्हारे पास में एनफ क्रिस्टल है और तुमको नीड है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चला तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। ये तुम्हारी नीड है, तुम्हारा क्रिस्टल है, तुमको कहाँ परचेस करना है, कहाँ स्पेंड करना है, ये तुम लोग डिसाइड करूँगा, ठीक है। मेरा काम था गाइड करना, आने वाले अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, और थैनोस का वर्दिट है लॉन्ग टर्म के लिए कि है नहीं है, टच चलेगा नहीं चलेगा, कुछ और कैरेक्टर्स को ओवरटेक कर लेंगे, ये बताने का काम मेरा था, मैंने अब कर दिया। लोकी बेटर टीयर फोर निकल के आएगा थैनोस से, और एडम वॉरलॉक का भी टीयर फोर निकल के आएगा बेटर देन थैनोस, तो थैनोस को कहीं ना कहीं वो रेंज नहीं मिलेगी आने वाले अपडेट में जो लोकी और एडम वॉरलॉक कवर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से तुमको थैनोस को ऑब्सिडियन किंग वाले यूनिफॉर्म के साथ में अगर ऑलरेडी तुमने तुम्हारे पास में है तो उसी के साथ में काम चलाओ, और जिनके पास में नहीं है वो देखो, अभी तुम्हारे पास में क्रिस्टल है तो न्यू वाला यूनिफॉर्म खरीदना, नहीं तो फिर अपना ये कितने का पड़ रहा है ऑब्सिडियन किंग वाला यूनिफॉर्म, मेरे अकाउंट में तो ऑलरेडी मैंने परचेस कर रखा है तो मेरे अकाउंट में दिखेगा नहीं कितने का एग्जैक्टली, मेरे को अकाउंट स्विच करके देखना पड़ेगा थैनोस का पुराना वाला यूनिफॉर्म कितने का था, और अभी जो लेटेस्ट यूनिफॉर्म आया वो 2,500 का है, तो देखो जो सस्ता पड़ेगा वो लेना, जो महंगा है सोच समझ के चूज़ करो। क्रिस्टल एक बार गए ना नेट मोबाइल ना वापस करेगा, ना सिनिकैलेस वापस करेगा, ना मैं वापस करूँगा, ना 20 गेम वापस करेगा, एल तुम्हारे लगने वाले, क्रिस्टल भी तुम्हारे वेस्ट होंगे, तो सोच समझ के चूज़ करो। और हाँ एक और बात, आगे अपकमिंग अपडेट के लिए वेट करो, उसमें ज़्यादा बेटर अपडेट आ सकते हैं, बेटर टीयर फोर आएंगे, यूनिफॉर्म भी आएंगे, एडम वाला भी आएगा, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल की नीड पड़ने वाली है, सोच समझ के स्पेंड करना, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, तुमको है नीड है, कौन सी नीड की ज़रूरत है, कौन सा कैरेक्टर बेटर हो सकता है, ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। फिर भी बोल रहा हूँ, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, लोकी टीयर फोर आएगा, पीवीई सेक्शन में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, आना ही है, कुछ महीनों बाद आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो मेरे को लगता है कि थैनोस को अगर मैं नई भी यूनिफॉर्म लूँगा, 2,500 अगर स्पेंड नहीं भी करूँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, और तुम्हारे ऊपर डिपेंडिंग करता है, तुम्हारे ऊपर नीड है नहीं है, थैनोस है नहीं है, गौर है नहीं है, जेंगरे है नहीं है, तो देखो सोच समझ के लो। और जेंगरे तो पावरफुल है, जेंगरे थैनोस को टिकने देगी नहीं टाइम मेटल में, ये क्लियर है, और जेंगरे मारेगी मारेगी थैनोस को, डेफिनेटली मारेगी लॉन्ग टर्म तक, तो इसका थैनोस का जेंगरे के अगेंस्ट में टिक पाना थोड़ा मुश्किल है। एडम वॉरलॉक अभी आने ही वाला है, नेक्स्ट अपडेट ये, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर मैं क्रिस्टल स्पेंड करने वाला नहीं हूँ, 50% सेल के लिए क्रिस्टल बचाने हैं डेफिनेटली, मेरे को और भी कई सारे काम है, कॉमिक कार्ड अपग्रेड करना है, एडम वॉरलॉक का परचेस करना है, यूनिफॉर्म परचेस करना है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल चाहिए, तो मैं अभी थैनोस पे स्पेंड नहीं करूँगा, मेरे को आगे की सोच के चलना है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्रिस्टल बचाना और सही चीज़ से परचेस करना तुम्हारे नीड के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।